जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2021 का जो मैथ्स का जो एग्जाम था, मैथ्स का जो पेपर था, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, राइट। सो इस जो पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं तीन पार्ट में, तो दिस इज द पार्ट वन। एंड इस जो पेपर को सॉल्व करते वक्त वी विल यूज सम कॉमन सेंस, है ना, थोड़ी सी ट्रिक्स का यूज करेंगे। एंड वी कैन सी कि हमारे पास जो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो वेज है वो इनहांस हो जाते हैं, राइट। सो वी विल कवर अप दोस थिंग्स इन द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यू बैचेस फॉर सीडीएस एनडीए एंड एफकेट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ जून। एंड ये जो बैचेस रहने वाले हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहने वाले हैं। इसको इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। Now, the first question is, very first question is, यहाँ पे बोला है कि this is the, बोला इसने condition दी, then मैं पूछ रहा है कि इसकी value बताओ। Now, इसके करने के, इस question करने के काफी ज्यादा तरीके हैं। First option तो हमारे पास ये आता है कि अगर मैं x की power 199 को common लेता हूँ, so it will become the same thing that is given here, right? So, यहाँ पे कितना बन जाएगा, zero बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसके second तरीका बोल सकता हूँ, ये quadratic equation है, and if you know, तो इसके जो roots होते हैं omega and omega square होते हैं। And if you will put these values in this equation, तो यहाँ पर फिर से अगेन हमारे पास आंसर जो है जीरो आने वाला है। Now third way is, अगर तुम देखते हो कोई भी सीरीज के अगर first three terms का जो अगर sum होता है, consecutive terms का अगर जो sum होता है वो जीरो होता है, तो उसमें अगर तुम कोई उस सीरीज का कहीं से भी three consecutive terms उठाओगे, तो उसका sum जीरो ही आने वाला है, we can say, right? So यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर तुम सीरीज चेक करोगे तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड वन, और यहाँ पे जो हमारे पास इसके लिए भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। सेकंड बोल रहा है, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नाउ इस क्वेश्चन को करने के अब काफी तरीके हैं। देखो सबसे पहला तो अगेन क्या कि थ्योरेटिकल तरीके से जा सकते हैं, बट आई विल प्रेफर अ प्रैक्टिकल वे, और वी कैन से यूज ऑफ कॉमन सेंस और लिटिल बिट ट्रिक। Now he's saying कि XYZ are in GP। मैं बोलता हूँ यार मेरे को ना XYZ solve करते हुए थोड़ा सा hard लगता है कि यहाँ पे calculate नहीं हो पाता, तो but I will do, मैं XY की जगह 1, 2, 4 put कर लेता हूँ, and यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास question क्या बन जाएगी, it will become log 3, log 6 and log 12। And now if you will check these numbers are in AP, how you can check it, 2 into log 6 is equal to, इन दोनों का जो sum करोगे log 3 plus log 12, तो यहाँ पे दोनों के दोनों कितने बने हैं, log 36 is equal to, log 36 होने वाले, if you know कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई मतलब पार में चला जाता है, जो अगर सम होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, so these are numbers are equal, it means कि यहाँ पे AP में रहने वाले हैं, तो ये चीज। सेकंड अगर हम यहाँ पे log में यहाँ पे अगर 1 to 4 पुट करेंगे तो इट्स हार्ड टू चेक, ये है ना कैलकुलेशन हो जाएगी, बिकॉज ये log में ज्यादा पता नहीं लगेगा, बट आई विल से कि यहाँ पे नंबर्स चेंज करके क्या ले लो, e की पावर 1, e की पावर 2 एंड e की पावर 3। Now if you will put down these value, यहाँ पे e की पावर 6 आने वाले, e की पावर 6 and log यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे basically क्या होने वाला है, log basically natural log का जो e होता है वो क्या कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे e की पावर 2 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, the same thing यहाँ पे कितना आएगा, e की पावर 6 plus 1, e की पावर 6 plus 2, e की पावर 6 plus 3। Now अगर इसको उल्टा करके हम इसको चेक करेंगे AP में है या नहीं, तो इट्स वेरी कॉमन, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि ना तो AP में है ना HP में है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट जो है स्टेटमेंट वह करेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, तो वी कैन से शॉर्ट ट्रिक दैट इसमें जब भी इसे क्वेश्चन आते हैं इसमें इंडिपेंडेंट जो हमारे पास वैल्यूज होती है ये आंसर हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे जो बेस में होता है ना, यहाँ पे एक्स बोला था, यहाँ पे इसके जो बेस में जो नंबर होता है वही लॉग का बेस होना चाहिए, वही आंसर हो सकता है इसके अलावा, यानी कि ये हो सकता है ये काट सकते हो। इफ यू विल पुट डाउन जीरो, यहाँ पे आने वाला लॉग जीरो, लॉग जीरो इज नॉट डिफाइंड। अगर यहाँ पे तुम पावर 1 पुट करोगे 2-1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगेन ये 0 बन जाएगा, एंड यहाँ पे इफ यू विल सी तो ये भी हमारे पास एपी नहीं बनेगी। इफ यू पुट log 2 बेस में 5, log 2 बेस 5, तो यहाँ पे ये कितना रहने वाले, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको चेक करने के लिए log 10। अब इसको ध्यान से देखना, 2 की पावर x यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, 2 की पावर log 2 की बेस में 5-1, तो इसमें क्या होता है कि अब जो भी पावर बेस में होता है सेम होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर यहाँ पे log होता तो ये कट जाता है, एंड द थिंग इज यहाँ पे 5 आ जाएगी, 5-1 दैट इज 4। सो यहाँ पे पुट करोगे तो इतना बनेगा log log 8, ये log 4 और ये बनेगा log 2 ना 10 बेस में। इफ यू विल चेक दीज नंबर, दीज आर नंबर्स इन AP, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो रेदर देन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय प्रैक्टिकल थिंकिंग, है ना, और थोड़ा सा इस तरीके से जाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट इफ यू विल गो थ्रू लाइक गो बाय
दिस वे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे, तो यहाँ पे इजीली इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो. द थिंग इज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सेट है यहाँ पे नंबर्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9. ही इज सेइंग कि मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना है, जब यहाँ पे जो डिजिट होने वाले हैं वो डिफरेंट रहने वाले हैं. एंड मुझे बताओ कि यहाँ पे जो नंबर होने चाहिए वो 500 से छोटा नंबर होना चाहिए बेसिकली. सो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 3 स्पेस बनाता है. 3 स्पेस बनाने के बाद मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है कि 500 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. यहाँ पे अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेरे पास रूल होता है कि जहाँ जहाँ से कंडीशन लग रही है वहां से स्टार्ट करते हैं, नॉट द कंडीशन इज ऑन द फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एंड ही सेइंग कि 500 से छोटा नंबर, तो लाइक यहाँ पे मैं 505 नहीं पुट कर सकता, 6, 7, 9 पुट नहीं कर सकता. इट मीन्स कि आई कैन पुट डाउन हेयर 2, 3, 4, राइट. यहाँ पे कितना आएगा, 3 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितने तरीके इसने आंसर आ जाएगा, 6, 5, 3 और 3, 3, 90. तो राइट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट दिए कि दिस इज द कंडीशन, देन टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस. नाउ अगर इस क्वेश्चन को तुम एक प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ जानने वाले हो तो इट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है, विद इन द सेकंड्स यू विल फाइंड द आंसर. अगर तुम इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल तरीके से जानने वाले हो तो यू विल सी कि काफी लेंथी क्वेश्चन होगा. अब मैं बताता हूँ काफी इजी तरीका है कि अगर तुमने यहाँ पे देखो, इसने बोला है कि अप टू एन डिजिट्स. मैं बोलता हूँ यार मेरे को ना एन डिजिट तक मुझे नहीं पता, मैं बोलता हूँ एन का नंबर ही मैंने 1 पुट कर दिया. इट मीन्स कि मेरे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. सिंपल, वेरी सिंपल. नाउ ही इज आस्किंग, बट ही इज आस्किंग 9p² + p, एंड p की वैल्यू 1 है. इट मीन्स यहाँ पे 9 + 1 दैट इज अ 10. नाउ यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करता हूँ, पी की वैल्यू 10, पी की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, एन की वैल्यू भी 1 पुट करता हूँ, एंड सी की किसका आंसर 10 आता है. इसका आता है, इसका आता है हमारे पास 20, इसका आता है हमारे पास 9, इसका आता है हमारे पास 11. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. सो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है अगर तुम इस वे से इस क्वेश्चन को करते हो, रैदर देन वेरी लॉन्ग प्रोसेस. अगेन अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को करने का देखो सिंपल तरीका बताता हूँ. नाउ यू शुड नो कि सब सम थिंग्स यहाँ पे, अगर हमारे पास ax² + bx + c, यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास ए और सी के साइन सेम है और बी का अलग है, तो यहाँ पे क्या होता है, रूट्स होते हैं पॉजिटिव आते हैं, राइट. एंड हमारे पास अगर पास इक्वल मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट साइन आ जाए, तो यहाँ पे हमारा बी जो होता है वो जीरो होना चाहिए. सो दीज आर सम रूल्स जो तुम्हें एक बार चेक करने चाहिए. नाउ ही सही कि इसके जो रूट्स इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन साइन, इट मीन्स हमारे पास बी शुड बी जीरो. इट मीन्स कि k² + 5x यहाँ पे माइनस होगा तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुड बी इक्वल टू जीरो. इट मीन्स कि k शुड बी इज इक्वल टू -5. एंड इफ यू विल सी, तो -5 ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें. इट मीन्स कि नन ऑफ वैल्यू इज एग्जिस्ट. तो काफी इजी क्वेश्चन है इफ यू विल नो द सिंपल थिंग्स. और यहाँ पे ये जो थिंग्स है ना, कि जहाँ पे कब पॉजिटिव आएगा, कब रूट्स इक्वल आएंगे, अगर हमारे पास ए और सी के साइन अलग होंगे तो रूट्स के साइन भी अलग अलग आएंगे, मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा ऑब्वियसली. बट ये रूल्स जो है हमारे पास क्वेश्चन को काफी शॉर्ट या फिर जल्दी करने के लिए भी काम आएगा आगे वाले क्वेश्चनों में. तो आई सजेस्ट कि ये वाले जो रूल्स हैं, प्लीज गो थ्रू इट. नाउ सी, अब ये क्वेश्चन भी काफी काफी हार्ड क्वेश्चन बन सकता था, बट आई विल से कि काफी हार्ड क्वेश्चन बनने के बजाय काफी इजी क्वेश्चन बन के रह गया. नाउ अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर इसमें क्या करता है, एक तो तुम क्या करोगे, वेरी एक सिंपल या फिर वी कैन से अगर कोई ट्रिक का भी यूज करेगा तो कैसे करेगा, ही विल पुट डाउन ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 + फिर 2 पुट करेगा इट विल बिकम 4, 3 पुट करेगा इट विल बिकम 6, 18, ऐसे करते करते सॉल्व करोगे. बट आई विल से कि यार दिस इज नॉट द एक्चुअल वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें क्वेश्चन को. यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे ए से लेकर 10 तक अगर मार्क्स ने सम पूछा है, यहाँ पे नंबर से उसके हिसाब से दिए हैं ना, 10 factorial - 1, 11. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर सिर्फ ए वन का मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 factorial - 1 ये कितना बनेगा, 2 factorial + 1 ये कितना बनेगा, 1 factorial + 1 ये बनेगा हमारे पास 2 factorial - 1, राइट. हमारे पास 1 से लेकर 10 तक का सम पूछा, इसलिए यहाँ पे क्या दिया था इसने, 10 factorial - 11 factorial + -1 जो इस तरीके से दिए थे. मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ए वन का वैल्यू बताऊंगा, दैट इज अ 1. एंड यहाँ पे रूट्स क्या हमारे पास जो ऑप्शन होंगे वो भी हमारे पास चेंज हो जाएंगे. सो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 आना चाहिए, तो ये हमारे पास 0 बनता है, ये 3 बनता है, ये 2 बनता है और ये 1 बनता है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. सो काफी देखो काफी सेकंड्स में इसका हमने आंसर निकाल लिया. सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन रेदर देन अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और वी कैन से थ्योरेटिकल प्रोसेस. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट ने बोला है कि पी क्यू आर द नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर हमारे पास ये क्या होता है, पी प्लस क्यू रूट सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज शुड बी इक्वल टू माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे बी का माइनस होना चाहिए ना. क्या होता है कि x² - bx + c इज इक्वल टू 0,
अगर यहाँ पे सिक्स से रूट अल्फा एंड बीटा है तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू बी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी. तो सेम थिंग यहाँ पे, पी प्लस क्यू शुड बी इज इक्वल टू माइनस पी एंड पी क्यू शुड बी इक्वल टू क्यू. तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी. पी की वैल्यू वन आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैरी नहीं करने वाला, इसके यहाँ जो वैल्यू आने वाली वन ही आने वाली. यहाँ पे वन वन पुट करोगे तो इट विल बिकम क्यू की वैल्यू माइनस टू. यहाँ पे वन और जो हमारे पास इसकी क्यू की वैल्यू आती है वन, दैट इज अ वन वैल्यू, राइट. नाउ ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भी काफी काफी इजी क्वेश्चन बन जाता है अगर इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हो, राइट. मैं बोलता हूँ यार मेरे को ना थोड़ा सा ना इजी इजी इस क्वेश्चन को इजी करते हैं. अगर मैंने यहाँ पे अगर सबकी वैल्यू जीरो जीरो पुट करूंगा तो सब सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे, राइट. मैं क्या करता हूँ इसको ना थोड़ा सा इजी टू सॉल्व करता हूँ. मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू टू पुट कर लेता हूँ, राइट. इसको वन और बाकी सबको जीरो जीरो जीरो. इट विल इसका जो हमारे पास इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, इसका जो आंसर टू आएगा ना डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाता है. सो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसका जो, या फिर हमारे पास जो आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो टू आने वाली है और बाकी हमारे पास वैल्यूज मिलेगी. अब ना वो हमारे पास जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए की वैल्यू टू है बाकी जीरो. तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जीरो तो जीरो, यहाँ पे आ जाएगा फोर मतलब एट, अगेन जीरो, थ्री एंड देन ई है ना आई है, यानी कि यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पे आएगा फाइव सेवन एंड इट बिकम सिक्स. अब तुम क्या करो इससे सॉल्व कर लो, या फिर वी कैन से यहाँ पे कितना आएगा, माइनस एट इज इक्वल टू छः कम छः, छः बढ़ती है 18, 18, राइट. अब तुम ध्यान से देखो कि इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है. तो नेगेटिव हमारे पास सिर्फ ए के आंसर, इसको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही. और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है, डी, दैट इज द डी. कोई मिस्टेक नहीं की, लेट्स चेक एक सेकेंड. इट्स गोइंग टू बी फाइव सेवन एंड सिक्स, ई के वैल्यू वन तो इट विल बिकम थ्री. ये कितना बनेगा हमारे पास, या इट्स एब्सोल्युटली राइट, 72 इंटू टू दैट इज, या तो एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे सही होने वाला आंसर. मैंने एक बार क्रॉस चेक कर रहा था, राइट. नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन में देखो हमारे पास पहले क्या कर रहे थे, हमारे पास यहाँ पे इसने बोला ए बी सी जी पे में है, एपी में, वहां से नंबर चूज किया फिर पुट कर दिया, पर ना वही तो उल्टा आ गया. तो हम क्या करेंगे, हम भी थोड़ा सा उल्टा चल लेंगे, राइट. हम क्या करेंगे, इसने बोला कि आर एन एच पी, मैं इसने बोला ये एपी में है, बट आई विल डू, मैं बोल रहा हूँ कि यार अगर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एच ए पी में एक दो तीन ले लेता हूँ तो क्या ये एच पी बनेगी, लेट्स चेक इट. ए बी सी यहाँ पे क्या बनेगा, वन अपॉइंट फाइव, ये बनेगा वन अपॉइंट सी पॉइंट फोर, वन अपॉइंट थ्री, राइट. सो अगर तुम इसका उल्टा करोगे तो फाइव फोर थ्री शुड बी इन ए पी, तो यस ये एपी में, इट मीन तुम्हारे पास पहली स्टेटमेंट करेक्ट. नाउ अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब बोल रहा है कि ये देखो, इट मीन्स कि ये नंबर्स अगर एच पी में, इट मीन्स कि यहाँ पे जो है, एक सेकेंड लेट मी सम स्पेस, नाउ सी, इट मीन्स कि बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी शुड बी इन एपी. नाउ अब देखो ये बोल रहा है, इसका स्क्वेयर कर दिया हर एक नंबर का और बोल रहा है कि जीपी बन गई. नाउ लेट मी टेल यू कि अगर मेरे पास एक दो तीन, ऑब्वियसली बात है ये एपी में है, अगर मैं सबका स्क्वेयर करूंगी तो जीपी नहीं बनती, इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट गलत. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो सी क्वेश्चंस आर नॉट दैट मच लेंथी, दैट मच यू आर थिंकिंग, राइट. एक परसेप्शन बनी हुई है कि काफी हार्ड पेपर आता है, ये बात है वो आता है, बट इफ यू हैव अ वेरी ब्रॉड कॉमन सेंस, ब्रॉड थिंकिंग है, कॉमन सेंस है ना, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग भी है तुम्हारे पास, तो यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम वेरी इजिली. नाउ सी सी दिस, अब इसमें बोला है कि देखो, अब एक तो इसमें नॉर्मल तरीका, इसके तुम वैल्यू निकालोगे तो वन ही आने वाला है ना, इसका जो डिटरमिनेंट निकालो क्या आएगा, वन इंटू जीरो टू मल्टीप्लाई देन, मतलब वन माइनस ए शुड बी, सॉरी वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन. या फिर तुम इसमें अभी भी कंफ्यूज हो तो तुमने इसे बोला ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने यहाँ पे वन पुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ पे वन ही आने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है. और यहाँ पे तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर इसकी जो वैल्यू है वो वन आने वाली है तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो ये भी हमारे पास वन माइनस वन एंड माइनस टू, दैट इज अ माइनस टू आयोटा. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी इसमें बोला है कि ए, देखो इसमें बोला है कि ए वैल्यू बताओ और के की वैल्यू बताओ अगर ये इज इक्वल टू जीरो है. ही सेइंग कि ए बी सी जीरो नहीं है, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली कि ए बी सी जीरो नहीं है, बट इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज वन है ना, मैं वन पुट कर सकता हूँ, नाउ व्हाट विल बिकम, यहाँ पे ये वन वन आ जाएगा, इट मीन्स की इज इक्वल टू यहाँ पे के आ जाएगा, इट मीन्स इसको सॉल्व करूंगा वन वन पुट करके तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा ये कितना बनेगा, डिटरमिनेंट वन माइनस वन, दैट इज माइनस वन, माइनस वन, वन माइनस वन, ये कितना बनेगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन. नाउ इस जो डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, वहां पर आंसर निकल जाएगा. इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, इस हर एक डिटरमिनेंट में पहली रो दोनों में जोड़ देते हैं, क्या आएगा, जीरो जीरो माइनस टू
0 -2 -2, अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी 0 and -4, तो इसका आंसर कितना आया है -4, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है बट अगर तुम इस तरीके से जाओगे तो, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी लेंथी पड़ सकता है तुम्हें। नाउ सी दिस क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन भी काफी मस्त क्वेश्चन है वीकेंड से। नाउ सी, ऐसे बोला है कि n की वैल्यू 1 से लेकर यहां तक बताना है, इसका सम करना है। नाउ इफ आई से कि मेरे पास, यार मैं भी अगेन क्या करने वाला हूं, ज्यादा लेंथी नहीं जाने वाला, मैं n की वैल्यू सिर्फ 1 पुट करता हूं, मींस हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 टू लेकर 8 और 7 कितना बनेगा, 7 14 1 15, आयोटेक पावर क्या बनेगी 1 से लेकर 15। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं आयोटेक पावर 1 प्लस आयोटेक पावर 2 टैप 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 आयोटेक पावर 15, सो इट्स कॉमन सेंस कि 1 से लेकर 4 तक का सम 0, राइट है ना, क्या होता है हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा नहीं आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा एंड 1 ना, इन चारों का सम करते हैं 0 होता है ना, आयोटेक पावर आयोटा की पावर 1 2 3 4 का जो सम होता है वो 0 होता है, यानी कि 4 का सम 0, उसके बाद 5 से लेकर 8 तक का 0, और फिर ऐसे करते करते हमारे पास 12 तक का सम 0, फिर हमारे पास बचता है 12 13 15, इट मींस कि हमारे पास क्या बचता है आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, एंड दिस गोइंग टू बी कितना बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास आयोटा 4 = 0 होता है, इसने इसकी वैल्यू पूछी है, इट मींस कि आप इसको उधर ले जाएंगे तो आयोटा पावर माइनस में आ जाएगी हमारे पास जो आंसर, एंड आयोटा पावर 4 इज 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है अगर तुम इस क्वेश्चन को जाओगे। नाउ अभी क्वेश्चन थोड़ा सा वी कैन से नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका जो अगर तुम इस पे बार लगा दे तो कितना आता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आयोटा वाले जो साइन है उसे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाती है। अगर तुम ये और ये पुट करोगे, मतलब जेड की वैल्यू ये और जेड बार की वैल्यू ये, तो ऑब्वियस यहाँ पे इजीली हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, एंड वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे किसकी इक्वेशन बनी है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, मीन यहाँ पे कोई भी एक्स की पावर नहीं आने वाली, पैराबोला में सिर्फ एक ही स्क्वायर आएगा, सर्कल में क्या होने वाला है कि हमारे पास दो नंबर्स के स्क्वायर आएंगे ना, एक्स और वाई का स्क्वायर आएंगे, और दोनों की जो बेसिकली जो स्टार्टिंग में जो होते हैं जो कॉफिशेंट होता है वो सेम होना चाहिए, या फिर इसका जो कॉफिशेंट होता है वो 1 होना चाहिए, अगर सेम होगा तो उस नंबर से डिवाइड करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी 1, राइट, सो दीज आर सम ना इसके लिए पीछे, और यहाँ पे इसका आंसर सर्कल रहने वाला है, क्यों चेक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने बोला है कि इसका स्क्वायर रूट बताओ। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर तुम स्क्वायर रूट की अगर तुम थ्योरी को जानते हो तो काफी लेंथी प्रोसेस रहता है कि तुम एक नंबर का तुम क्या करते हो, एक स्क्वायर रूट निकालते हो, बट आई विल से यार इतना लेंथी जाना ही क्यों, बट आई विल डू, आई विल जस्ट स्क्वायर ऑल ऑफ दिस नंबर्स, और यहाँ पे क्या आने वाला है इसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा, राइट, इसका स्क्वायर निकालने से बढ़िया इसका स्क्वायर कर लो सबका, अगर सेल वैल्यू सेम है इट मींस कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे 2a आ रहा है, तो यानी इसका तो साफ साफ दिखेगा इसका स्क्वायर कुछ 4a² आएगा, 2a कभी नहीं आ सकता, ये काट दो ये काट दो। द सेकंड थिंग इज सेकंड एंड वेरी कॉमन थिंग इज यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस में यहाँ पे -2a आएगा, मींस यहाँ पे ये भी नहीं है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे पूरा इसको स्क्वायर करोगे तो भी तुम निकाल सकते हो, बट सी हमारे पास जो आंसर है वो बहुत ही रैपिडली और वी कैन से फास्ट फास्ट आ रहे हैं, दिस क्वेश्चन जो काफी हार्ड दिख रहे थे इट सीम्स लाइक अ लो हैंगिंग फ्रूट, राइट, सो हमारे पास थिंकिंग को ब्रॉड रखना होगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, नॉट ना थोड़ा सा ज्ञान भी जरूरी है, तो अगर देखो छोटी सी कहानी है कि यार अगर तुम एक अपनी थिंकिंग को बंद करके रखोगे सो इट्स गोइंग टू बी, मान लिए एक जैसे फॉर एग्जांपल एक मेंढक है, इन मेंढक के लिए क्या है कुएं में रहता है, एंड अगर वो मेंढक की लाइफ फॉर एग्जांपल अभी मेंढक कुएं में रहता है, सो अगर इसमें बाढ़ आ गई इट मींस कि इसके लिए पूरी दुनिया में बाढ़ आ गई, अगर ये पानी सूख गया पूरी दुनिया में पानी सूख गया, सो सीम्स लाइक कि यहाँ पे इसकी जो लाइफ है वो यहाँ पे इसने तक सीमित हो गई, बट वंस क्या वो बाढ़ आई वो बाहर गया, एंड देन ही सी द एक्चुअल लाइफ है ना, सी द एक्चुअल वर्ल्ड कि नहीं मेरी थिंकिंग जो है बेसिकली ये पानी अंदर सूखा है बाहर नहीं सूखा, इट मींस कि द सेम थिंग इज थिंकिंग, अगर तुम अपनी थिंक अपनी जो सोच को एक बोरवेल में बंद करके रखोगे तो इट सीम्स लाइक कि मेरे पास कुछ और बचा ही नहीं है ना, बट है ना अगर तुम इस थिंकिंग को बाहर अपने एक ओपन माइंडेड रहोगे तो यू विल सी कि हमारे पास जो काफी और वेज होते हैं क्वेश्चन करने के लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर द क्वेश्चन है ना, ये हर एक चीज में काम आने वाले इन फॉर इन योर पर्सनल लाइफ एंड थोड़ा सा तुम्हें पता है। सी अपार्ट फ्रॉम जोक नाउ सी द क्वेश्चन, अब इसमें बोला है कि साइन थीटा इसके रूट हैं, इस क्वेश्चन बताओ। अब इस क्वेश्चन को एक तो सॉल्व करने का क्या तरीका कि तुम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, रुको रुको रुको, मैं क्या करता हूँ सिंपल सी चीज करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ अगर थीटा जीरो पुट कर लेता हूँ क्या बनेगा, ये जीरो ये वन, इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस कितनी बनेगी माइनस एक्स प्लस जीरो शुड बी इज इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 0, चेक करो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ना, ए बी की वैल्यू दोनों की माइनस में, तो ये कट जाएगा ऑप्शन, ये कट जाएगा, अब दो ऑप्शन बचते हैं, इसके वैल्यू जीरो आ रही है, इसकी भी जीरो आ रही है, तो
हम क्या करते हैं 45 लेते हैं, यानी कि हमारे पास रूट क्या आ जाएंगे 1.√2 एंड 1.√2। यहाँ से इक्वेशन क्या बनने वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू बनेगी ना, या रूट टू एक्स एन प्लस वन बाय टू। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, इफ यू विल चेकआउट तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। मे बी आंसर इज बी, चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -√2 एंड सी की वैल्यू 1/2 पुट करके। सो इट्स इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, हमारे पास साइन थीटा कोस से कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले नहीं पड़ेगी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि हमारे पास क्या है कि दीज आर नंबर्स ऑन एपी, तो मेरे को बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। नाउ अब हम थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे। अब सिंपल सी बात, अगर ये एपी में होते हैं तो व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे इसके मतलब है इसके 2 इनटू एन सी 5 इस शुड बी इक्वल टू एन सी 4 प्लस एन सी 6, राइट। मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन मतलब ऑप्शन पुट करके देख लेता हूँ यहाँ पे क्या बराबर बैठता है। 7 पुट करता हूँ, गोइंग टू बी 7 सी 5, इट्स गोइंग टू बी 7 सी 2, है ना, ये पता है ना तुम्हें। जैसे अगर हमारे पास एन सी आर को हम एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी 7 होंगे, तो 7 सी 3 और ये बन जाएगा हमारे पास 7 सी 1। नाउ इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो, 7 21, इट्स गोइंग टू बी 21 यानी कितना 42, ये कितना बनेगा हमारे पास 7 35 प्लस 7 इट्स 42। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना, यहाँ पे ये सेटिस्फाई करके तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सो मैं कोई कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली अगर तुम इस चीज को सॉल्व करने वाले हो। नाउ अब बोला है कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन काफी नॉर्मल लाइक नॉट सो लो हैंगिंग क्वेश्चन, एक एवरेज क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कंटेनिंग टू वोवल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली द लेटर्स ऑफ द विदाउट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड लखनऊ। अब इसमें देखो वोवल कितने हैं, यू और ओ दो ही वोवल है मेरे पास ना, मतलब दोनों के दोनों लेने हैं। मैं अगर मैं चार नंबर का एक वर्ड बनाना था उसमें से मेरे पास सिलेक्शन करना है मेरे पास, तो दो सी टू प्लस मतलब दो में से दोनों के दोनों वोवल लेने हैं। इसके बाद मेरे पास कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 में से 5 दूसरे बचते हैं, मतलब 5 में से 2 लेने हैं। सो इट्स सिलेक्शन 1 प्लस हाउ मच, ये हमारे पास बन जाएगा कितना बचेगा, इट्स गोइंग टू बी 5 सी 2 दैट इज 10, राइट। तो ये कितना बनने वाला है हमारे पास, सॉरी मल्टीप्लाई, तो कितना आने वाला है हमारे पास 10 आने वाला है। इसके बाद हमारे पास 4 नंबर्स को हमें क्या करना है, अरेंज भी करना है। ये तो हमने पास क्या किया, हमने 4 नंबर को चूज किया, दैट इज 10 वेज हम 4 नंबर को चूज कर सकते हैं। अब उन 4 नंबर को जो लेटर्स हैं उनको अरेंज भी करना है, दैट्स 4 फैक्टोरियल, इट मींस कि 4 फैक्टोरियल इज 24 × 10, दैट इज 240, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि दो नंबर को चूज करना है, दो वोवल को चूज करना है ना, उसके बाद दो अलग नंबर जो लेटर्स को चूज करना है, एंड देन वी हैव टू अरेंज दीज नंबर। Now see this question. अब बोला है कि suppose 20 distinct points are placed in random on circle. अब बोला देखो circle बोला it means कि यहाँ पे कोई भी जो number है point है वो collinear नहीं होने वाला। Now he's saying कि बताओ straight line कितनी खींची जा सकती है by joining the two points. देखो तो अभी 20 C 2 is the right answer. Obviously बात है 20 C 2 को तुम find out करो it's 190. Option number A is wrong. उसके बाद बोल रहा है कि ट्राइंगल, तो इसके लिए क्या करते हैं हम 20C3, राइट, 20C3 करोगे तो इट्स गोइंग टू बी 1140, दैट्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओनली बी। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सटेंशन ऑफ दिस। अब इसमें को ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसका एक तो हमारे पास एन इंटू एन प्लस 1 एंड एन प्लस 2 बाय 2 इज द राइट आंसर। अगर अगर क्या होता है हमारे पास एक इक्वेशन ए बी सी जो अगर तुम्हें पे कुछ नंबर n दिया हो तो मैं इसके टर्म्स के नंबर, बट अब इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। ये क्या है हमारे पास a प्लस बी एंड दैट इज अ प्लस बी प्लस ए का होल स्क्वायर है। अगर तुम इसको खोल के देख लो तो भी बनेगा, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी 21, सो इट्स गोइंग टू बी 42, और यहाँ पे इस तुम्हें पता है इसको क्या होता है प्लस 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे इसमें बोला है कि कंसिस्टेंट यानी कि संगत संगत है बुझाएं, इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास इसका जो 2 3 इट्स गोइंग टू बी 7 3 टू के स्क्वेयर एंड दैट्स गोइंग टू बी 6 KY 1 1 1 सॉरी या तो यहाँ पे इसका जो तुम बेसिकली क्या करने वाले हो, इसका जो तुम इसका डिटरमिनेंट करने वाले हो, तो जो भी यहाँ पे नंबर जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर होगा
एंड यहाँ पे इसका जो आंसर है इट्स बी, इसको तो मैं सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर इक्वल टू जीरो पुट करके इट्स गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जा सकता है, आई विल सजेस्ट कि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट में अटेम्प्ट करने चाहिए। लेट्स मूव नाउ। ही सेइंग इसका इनवर्स निकालो। अब इनवर्स निकालने के लिए बताया गया टू बाई टू की अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है इसको निकालने के लिए काफी ईजी तरीका होता है। क्या होता है, हमें सबसे पहले तो इसका वन बाय मॉड ए से सॉरी वन बाय इसकी जो डिटरमिनेंट होता है ना उसकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड करना होता है। इसका क्या होगा, ये बनेगा हमारे पास माइनस वन माइनस थ्री बाय टू सॉरी प्लस इट्स गोइंग टू बी माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू ठीक है माइनस वन बाय टू। उसके बाद क्या होता है, हमें क्या करना होता है इन दोनों की पोजीशन चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। नाउ माइनस आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस तो यहाँ पे पोजीशन चेंज करते हैं हमारे पास क्या बनेगा वन वन बाय टू एंड इट्स गोइंग टू बी टू एंड यहाँ पे बनेगा हमारे पास थ्री बाई टू एंड वन यहाँ पे साइन चेंज राइट यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। काफी इजीली तो इसका आंसर निकाल सकते हो। नाउ सी अब इसमें बोला है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। नाउ तुम्हें पता होना चाहिए पीरियड का जो बेसिक क्या होता है कि किस चीज पे वेरी करता है। नाउ इसमें तुम ध्यान से देखो साइन एक्स जो है हमारे पास साइन का जो बेसिकली पीरियड होता है वो कितना होता है टू पाई होता है। बट अगर यहाँ पे तुम इसका स्क्वेयर कर दोगे तो बेसिकली इस ग्राफ तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव भी जाता है। बट अगर तुम यहाँ पे स्क्वेयर कर दे इट्स गोइंग टू बी द मॉड इट्स इट विल वर्क लाइक अ मॉड। यहाँ पे क्या होने वाला है इसका जो नेगेटिव नहीं जाने वाला इट मीन यहाँ पे जो क्या हो जाता है घटकर पीरियड पाई रह जाता है और लोग पे इसकी जो बेसिकली यहाँ पे जो पीरियड का फर्क पड़ने नहीं वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम्हें पता है कि साइन वन इज साइन 90 यानी कि ए प्लस बी इज गोइंग टू बी 90 यानी आपके कितना आएगा ये 1 बाय 2 बन जाएगा और साइन 1 बाय 2 इज साइन 30 तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। यहाँ से क्या आने वाला है ए की वैल्यू 60 आने वाली है बी की वैल्यू 30 आने वाली है राइट। यहाँ से तुम इसका अगर तुम आंसर निकालोगे तो रूट 3 बाय 1 बाय रूट 3 तो इज गोइंग टू बी 31। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेइंग कि कंसीडर रेगुलर पॉलीगन विद 10 साइड्स व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच कैन बी फॉर्मड बाय जॉइनिंग वर्टेक्स व्हिच हैव नो कॉमन साइड विद एनी। तो यहां पे बेसिकली यहां पे एक फार्मूला होता है दैट इज अ 4 5 6 फार्मूला दैट इज माइन क्या होता है n into n minus 6 सॉरी n minus 4 n minus 5 n डिवाइड बाय 6। इसमें तुम इसका जो वैल्यू पुट करोगे इसका तुम आंसर निकाल सकते हो दैट्स आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट फार्मूला बेस क्वेश्चन आ गया था ठीक है। Now see the next question. अब इसमें बोला है कि the consider all the roots of the equation. What is the sum of the absolute values of the root? Absolute values का sum पूछा है। तो ये तो बात हम बाद में बताऊंगा कि absolute values पूछा था यहाँ पे क्या गलती हो सकती है। इसको सबसे पहले देखिए इसको solve कैसे करते हैं। जब भी तुम्हारे पास ऐसे आता है ना तो हम इसमें क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को तुम मे बी एक काम कर सकते हो टी मान सकते हो। फिर तुम इसको सॉल्व करोगे इसके रूट क्या आने वाले हैं इसके रूट आने वाले हैं 9 एंड 1 दैट्स 9 एंड 1 इज गोइंग टू बी द रूट। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे x square, हमने x square is equal to e, तो यानी x square is equal to 9 and 1, तो यहाँ से क्या आएगा minus 3 and plus 3 and plus 1 and minus 1, these are going to be the root of this equation। अब absolute sum पूछे यानी कि हमें क्या करना minus को ignore करना पड़ेगा, so it's going to 6 7 8 option number C is the right। Now see the next question, अब ये question भी काफी must question है काफी tricky question बोल सकते हैं अगर तुम इस question को हमारे पास trick वाले तरीकों से use करोगे तो काफी easily question होने वाला है। देखो कैसे सही कि ये हमारे पास एक एक एक्सटेंशन है इसमें पी क्यू आर एस एक हमारे पास कोफिशिएंट है किसके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एन एथ टर्म एंड एन प्लस वन टर्म हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है बट थोड़ा रुको जरा सब्र करो। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसके एन की वैल्यू वन पुट करता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा एक्स वन अपॉन एक्स एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म बनेगी पी की वैल्यू वन क्यू की वैल्यू वन आर इज द एन एथ टर्म एन की वैल्यू वन यानी कि फर्स्ट टर्म भी हमारे पास क्या है एस आर की वैल्यू भी वन s s second term की वैल्यू 1 इट्स मीन कि p q r सब की वैल्यू 1 1 है यहां पे पुट करोगे दो देखो किसका आ रहा है इसका 3 इसका 3 इसका 2 इसका 5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू विल गो लाइक दिस वे। सो क्या तुम्हें आंसर दिखाई दे रहा है इफ यू कैन सी देन टिक कर दो। सो सी अब इसमें देखो अगर तुम ध्यान से देखो ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 है राइट। अब तुम्हें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 तक जा सकती है ऑब्वियसली बात है इससे जो यहां पे जो x की वैल्यू होनी चाहिए 1 होनी चाहिए तो यहां पे 1 1 1 दैट्स गोइंग टू बी 3 वेरी सिंपल। और जब भी छोड़ो यहां पे एक ट्रिक भी हो सकती है जैसे कि जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं ना तो इसमें ध्यान रखना कभी भी ना
या तो इसका आंसर 0 1 समथिंग ही होना चाहिए, आई एम सेइंग द इंडिविजुअल, है ना, कि या तो इन सबका आंसर 0 0 0 या फिर 1 या फिर -1 हो सकता है, बिकॉज इसका आंसर 2 3 1 यहाँ पे अगर कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी आएगी तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस नंबर्स, राइट। नाउ सी, अब बोला है कि इसको जीपी जीपी से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन द लॉन्ग वे। नाउ सी दिस क्वेश्चन, अब बोला है कि हमारे पास ये एक बोला है कि बताओ ये हमारे पास अगर ऐसा है एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। मैं मेरे को साफ दिख रहा है कि यार साइन और जो कॉस होते हैं वो 45 पे इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं, इट मींस कि मैं एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मैं 45 लेता हूं, इट्स गोइंग टू बी 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। इट मींस कि जो एक्स और वाई की वैल्यू 1 कितने पुट करता हूं मैं, पाई बाय 4 पुट करता हूं, इट मींस कि 45 डिग्री पुट करता हूं, तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो व्हाट आई विल डू कि यहां पे 45 यहां पे पुट करूंगा, क्या बनेगा 45 x plus y is equal to divided by 2, that's going to be again 45 10 45, that's one, the option number is the right answer. Very easy question agar is se jaoge. Ab ek question thoda sa lengthy ho sakta hai, isme tumhe kya karna hoga, m i square m square i square n square a square plus 2 m i, aur isko tum ignore kar sakte ho, a n, right? तो इसको तुम सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे ए पुट करोगे, का स्क्वायर निकालोगे, सो इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन, सो आई विल सजेस्ट क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बेहतर है। हमने बेसिकली कितने क्वेश्चन देखे हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो रहे हैं, और इस क्वेश्चन में तुम एक दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन भी छोड़ दोगे 40 में से, इट्स गोइंग टू बी 105 इज गोइंग टू बी ए आई आर 1 ब्रो, सो बी फ्रैंक, और वी कैन से ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा सोचना। Now see this question. अभी ये क्वेश्चन करने का भी काफी सिंपल तरीका है, इसमें क्या करना है तुम्हें, बेसिकली इसको क्वार्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्वार्ट में कन्वर्ट करने के क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, लंब बटे करण, राइट, ठीक है ना, बनेगा लंब बटे करण इज गोइंग टू बी सॉरी राइट 3 5 4, क्वार्ट की बात करेंगे तो कितना बनेगा 4/3 बन जाएगा, नहीं कितना होता है लाल बटे कक्का आधार बटे लंब, सो बेसिकली क्या बनेगा 4/3 बनने वाला है कोट। अब तुम्हें पता है कोट ए, कोट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स बी का सम करते हो तो मोस्टली क्या होता है, कोट इनवर्स क्या होता है हमारे पास 1 माइनस ए बी एंड नीचे ए प्लस बी, राइट, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, कोट इनवर्स से कोट इनवर्स कट जाएगा, इट्स आंसर इट्स आंसर गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू सेइंग कि साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, इट मीन्स कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है 3/2, और ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास 60, तो 60 और इसका तुम 6/18 तो 10 180 इज गोइंग टू बी 0 नंबर सी। काफी इजी क्वेश्चंस हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, पी क्यू एंड 3 इज बी द रिस्पेक्टिव टर्म्स ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, तो यहाँ पे देखो तुम इसे ना सेकंड थर्ड टर्म सेकंड और फोर्थ टर्म को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ना ये अगेन ये भी एक एपी ही बनने वाली है, बिकॉज यहाँ पे अगर तुम बात करो 1 2 3 4 5, तो अगर तुम 1 3 5 लोगे और 2 3 को छोड़ दोगे तो भी ये एपी ही रहेगी, बट इसे कॉमन डिफरेंस दुगना हो जाएगा अगर तुम एक को छोड़ोगे। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है कि यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू, यानी कि हमारे पास क्या फर्स्ट और जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, मेरे नंबर आएंगे 3 एंड द सेकंड टर्म इज गोइंग टू बी थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी हाउ मच 1 एंड -1, यहां पे कितना आ रहा है हमारे पास -1 आ रहा है। नाउ लेट्स होल्ड, अगर 3/8 करूंगा दोनों मेरे नंबर्स जो है पॉजिटिव आने वाले हैं, तुम्हें पता है दोनों नंबर पॉजिटिव आएंगे तो ये हो नहीं सकता, 9/8 इज गोइंग टू बी 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो इट मींस यहां पे कितना आने वाला है, ये यहां पे पॉइंट में चला जाएगा और यहां पे थोड़ा सा पॉइंट से थोड़ा सा आगे चला जाएगा। नाउ अगर 9/4 रखोगे तुम तो कितना आने वाला है, तुम ध्यान से देखो 9/4 समथिंग लाइक कि यहाँ पे इसका मैंने क्या बताया दुगना हो जाएगा, है ना, यहाँ पे दुगना कर दो, यहाँ पे तुम दुगना कर दोगे तो भी निकाल सकते हो 9/4 9/4, यहाँ पे कितना आएगा 9/2 9/2 इज गोइंग टू बी 4, अगर तुम देखो इससे पीछे करो 3 से लेकर तुम कम से कम अगर 4 भी लाओगे तो कितना आएगा 0 एंड देन समथिंग, यहाँ पे 0 और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होने वाला। अब तुम्हें दो में कन्फ्यूजन हो सकती है ए और सी में, तो इसके लिए क्या करोगे सी 9/4 है ना 3 -9/4 कर लो एंड देन जो भी नंबर आएगा उसमें से 9/4 वापस से करा लो, दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो इससे बड़ा आ रहा है, सो इससे मिनिमम आ रहा है, इससे मिनिमम आ रहा है, जो मिनिमम आ रहा है वो आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चेक कर सकते हो। नाउ सी दिस क्वेश्चन, अब देखो सबसे पहले इसने देखो बोला क्या है कि इसकी जो रूट्स रूट्स के बारे में बात करें, इसके रूट्स होने में क्या वाले हैं, एक होने वाला है 2, ऑब्वियसली बात है x, x³ = 8 2,
एक इसमें क्या होने वाला है कि यहाँ पे तुम अगर इसके x माइनस थ्री वी कैन से x माइनस टू एंड x स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस गोइंग टू बी 2x है ना, जैसे तुम्हें इस यहाँ पे के एक रूट्स और आएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली बात आ रही है कि यहाँ पे नॉन कोलिनियर होंगे नहीं होंगे। तो बेसिकली एक तो रूट टू आ रहा है और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस टू के जो रूट्स होने वाले हैं ये बेसिकली एक लाइन में नहीं आएंगे, जिससे रूट कॉम्प्लेक्स जाने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं वो यहाँ पे नॉन कोलिनियर नहीं होने वाले। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राइट। एंड यहाँ पे सर्कल बोल रहा है कि लाइज ऑन द सर्कल ऑफ यूनिट स्क्वायर, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर एक यूनिट का तुम बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे जिसकी रेडियस 1 होगी, तो उस पर लाइक करता है। यहाँ पे पहला तुम रूट देख लो 2, और 2 तुम्हें पता है कि 1 के अंदर तो आई नहीं, यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि सेकंड इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब देखो इसमें बोला है कि इसकी जो बोला है कि ये हमारे पास एक बोला है कंडीशन है कि हैव अ सॉल्यूशन, बताओ कि पी की पॉजिटिव रियल नंबर की इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इजी करता हूँ, इसको उल्टा कर लेता हूँ। दैट इज गोइंग टू बी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू पी। नो मतलब अगर तुम्हें पी की वैल्यू स्मॉलेस्ट चाहिए, इट मीन्स कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, और यू नो कि कॉस और साइन का अगर तुम्हें कलेक्टिव लेना, तो इसकी जो मैक्सिमम जो बेसिक मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सेम पे होती है ना। 45 लोगे तो क्या होगा, 1/1/√2 इंटू 1/√2 दैट्स गोइंग टू बी 1/1/2 दैट्स गोइंग टू बी 2। तो पी की वैल्यू कहने वाली है 2, दैट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई। नाउ सी दिस क्वेश्चन, अब सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा जहाँ पे अटेन मैक्सिमम वैल्यू। तो यार एक तो तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर जीरो के वैल्यू पुट करो, फिर कुछ लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करो। इससे बेटर है कि तुम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू बी हार्ड। सबसे पहले यहाँ पे देखो पाई बाय टू तो तुम वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि अभी थीटा क्या है, पाई बाय टू या जीरो के बीच में है, पाई बाय टू इंक्लूडेड नहीं है, तो ये काट दो। अभी देखो पाई बाय फोर थोड़ा सा इजी है, सबसे पहले इसको पुट कर, कितना आएगा 1/√2 प्लस 1/2 दैट्स गोइंग टू बी मे बी 1 से थोड़ा सा बड़ा। बट अगर तुम यहाँ पे पाई बाय थ्री और पाई बाय सिक्स में देखोगे ना, देखो अगर तुम साइन और कोस के बारे में जानते थे, पाई बाय थ्री और ये पाई बाय सिक्स, अगर तुमने यहाँ पे पाई बाय सिक्स लिया तो भी ये सेम रहेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू पाई बाय थ्री की, ये तो पाई बाय थ्री वर्क करेगी, कोस की वैल्यू पाई बाय सिक्स वर्क करेगी। अगर तुमने साइन की वैल्यू ये ली पाई बाय सिक्स, तो भी सेम ही रहने वाले बेसिक मल्टीप्लाई। द थिंग इज यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम ज्यादा कहाँ होती है, इन दोनों कंपेरिजन में पाई बाय थ्री ज्यादा होती है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये ऑप्शन भी कट गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली कितनी आती है, इसकी अप्रॉक्सिमेटली कितनी वैल्यू कितनी आती है। ऑप्शन ऑब्वियसली इसके लिए √3/2 समथिंग करके जो अगर तुम जाने वाले हो, तो इसकी जो आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू पेंट करेगा। नाउ अब इसमें देखो, जब देखो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, जब भी ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, हमें इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है एक रॉन्ग स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी तुम्हें पता चलता है कि एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो तुम इजीली आंसर निकाल सकते हो। अगर 1 होगी रॉन्ग तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अगर 2 रॉन्ग होगी तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अगर 3 रॉन्ग होगी तो 1 एंड 2 इज राइट आंसर। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा रॉन्ग सेंटेंस को रखने का फाइंड आउट करने का ज्यादा होना चाहिए। सो इफ यू विल सी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ यूनियन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी का अगर तुम होल कॉम्प्लीमेंट निकालने वाले हो, तो इट्स गोइंग टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए, तो इट्स इक्वल है ना, ये बात भी सही है। थर्ड बोलो, इफ द डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेट, देन द टू सेट्स मस्ट बी इक्वल। अभी बात कर रहा है कि द डिफरेंस जो है वो क्या है, एम्प्टी है। बट मैं अगर बात करूँ, मेरे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है, अभी दोनों इंडिपेंडेंट सेट है ना, इसके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका डिफरेंस जीरो आने वाला है, बट इट्स नॉट थिंक कि दोनों इक्वल होने वाले हैं, राइट। सो ये गलत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन भी काफी मस्त क्वेश्चन है। देखो एक्स वाई जेड जो है यहाँ पे दिया गया है कि एक्स में 6 एलिमेंट है, वाई में 5 और जेड में 4। भाई सही कि टोटल 15 एलिमेंट है, अगर तुम इनका सम करोगे तो 6, 4, 10 और 15, मतलब क्या यहाँ पे बात क्या निकल के आती है कि एक्स वाई जेड जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वीकेंड से है ना, अलग है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, जो कि कोई भी चीज कॉमन नहीं है इन चीज में। तो यहाँ पे तुम अगर देखो एक्स में से तुम वाई फाइंड आउट करो, द सेम थिंग द प्रीवियस क्वेश्चन, कि यहाँ पे क्या था, अगर तुम कुछ चीज कॉमन ही नहीं है तुम्हारे पास क्या आने वाला है, जिसने डिफरेंस पूछा था यहाँ पे, तो एक्स में से वाई घटाना है, तो एक्स में कितना है, 6 एलिमेंट है और कुछ भी कॉमन नहीं है, हमें घटाते क्या है कि जो कॉमन होता है, तो यहाँ पे कितने वाला है, 6 आने वाला है, एंड यूनियन जेड कितने आने वाले हैं, यूनियन मीन्स प्लस, और जेड कितने आने वाला है, 4, तो इट्स गोइंग टू बी 10। नाउ अब एक और चीज, ही सेइंग कि 2 की पावर 10, ही सेइंग प्रॉपर सबसेट। जब भी प्रॉपर सबसेट की बात आई, तो ऑलवेज रिमेंबर 2 की पावर जो भी ऑप्शन होते हैं, इसमें 2 की जो पावर होती है ना,
उससे एक कम होना चाहिए, यानी कि 2 की पावर पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती, प्रॉपर सबसेट पूछा है, यानी कि या तो ये होगा ये होगा। यहाँ पे इसने बोल दिया 10 एलिमेंट आने वाले हैं, तो 2 की पावर 10 इज गोइंग टू बी -1, दैट्स गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सेइंग द ऑल रिलेशन, अगेन रॉन्ग फाइंड आउट करेंगे, रॉन्ग और एक भी रॉन्ग फाइंड आउट हुआ तो आपके आंसर हमारा ठीक। ऑल रिलेशंस आर फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर नॉट रिलेशन। नाउ सी, अभी देखो ऑल रिलेशन, रिलेशन के लिए क्या होती है कंडीशन, ये होती है कि देखो ये उल्टा बोला हुआ है, यहाँ पे क्या होता है कि ऑल फंक्शन जो होते हैं वो रिलेशन होते हैं, पहले रिलेशन होता है फिर फंक्शन होता है ना। अगर कोई चीज फंक्शन है तो ऑब्वियसली बात रिलेशन होगा ही होगा, ये बात उल्टी लिखी हुई है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नहीं आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ व्हेन अगेन वेरी लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बताया था कि अगर या तो यहाँ पे लॉग बेस में 10 होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था पहले ही इस क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे जो बेस होता है वही बेस का जो यहाँ पे आंसर आना चाहिए, यहाँ पे दोनों मतलब ये नहीं हो सकता। इफ यू विल पुट 0 तो ये कितना होने वाला है, ये तुम्हारे पास देखो log 10 बेस में 2 into log 2 बेस में 10, अगर तुम इसको उल्टा कर दोगे तो कितना बन जाएगा 1 अपॉन और 10 बेस में 2 बनेगा तो ये कट जाएगा, तो इसमें 1 प्लस आना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, और इसकी वैल्यू 1 कब आएगी जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो log 10 by 10 बेस में 10 इज 1, ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। सी दिस क्वेश्चन, हमने बेसिकली 40 मिनट्स में लगभग 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, इसमें से हमने कुछ इंट्रो भी हो गया, कुछ थोड़ी सी बातें हो गई है ना, थोड़ा सा ज्ञान भी हो गया, स्टिल हमारे पास एक मिनट में एक क्वेश्चन हमने इजीली कर दिया, वो भी मैं समझा रहा हूँ। इफ यू नॉट, इफ यू आर जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ईजी होने वाले हैं। यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वीकेंड से एक मिरर रखना पड़ेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल 120 क्वेश्चन, राइट। अगर तुम 80 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले तो इट्स गोइंग टू बी 200 आता है ना, हाँ 200, एंड 200 मार्क्स इन जस्ट मैथ्स है ना, एक अकेले मैथ्स में अगर तुम 200 स्कोर कर रहे हो तो इवन तुम मैट आउट होने के चांसेस भी तुम्हारे शून्य हो जाते हैं, शून्य आ रहे बट शून्य, राइट। सो बेसिकली क्या होना है कि थोड़ा सा रियलिटी चेक थोड़ा सा साथ में रखो, यू आर नॉट हेयर टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, अगर एक दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे इट्स ओके, है ना, एंड प्रेशर नहीं लेना। और बेसिकली यहाँ पे तुम देखो हमें सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो काफी ईजिली हो रहे हैं, है ना, ट्राई जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पर्सन एग्जाम नहीं निकालता जो जिसको हर एक एग्जाम वीकेंड से हर एक पेपर जो वीकेंड से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, बट वो बंदा एग्जाम निकालता है जिसको क्वेश्चन छोड़ना आता है, राइट। इट्स अ वेरी डिफ्यूज डिफरेंस, जो नहीं छोड़ेगा वो क्या करेगा, एक ईगो पे लेगा कि हाँ यार थोड़ा सा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहा है, हो जाएगा मैं कर दूंगा, बट इट्स गोइंग टू टेक योर 5 or 6 मिनट्स, दैट्स यूपीएससी वांट, यूपीएससी वांट्स कि हमारे पास 2-4 मिनट 5-10 मिनट तुम वेस्ट करो। सो या दैट्स द थिंग, एंड ज्ञान बहुत है, एंड दिस इज अ पार्ट 1, एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल 10 इयर्स पास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू जो पेपर जो तुम्हारे पेपर आए हैं मैथ्स के, एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस दीज पेपर्स। सो कीप वॉचिंग दिस सीरीज, एंड डेली के डेली मैं एक पीवाईक्यू सीरीज मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट की, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज, राइट। एंड तो यहाँ पे तुम वो भी स्टार्ट कर सकते हो, इसके अलावा हम और भी सीरीज को स्टार्ट करने की लाइक तैयारी में है अबाउट वोकैब एंड ऑल, एंड सो कीप वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।